नमस्कार आम सर को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथम देखिबा कोन रही आज हेडलाइंस। कटक बालुबजार पूजा मंडप मूर्ति उच्चता मामलार शुणी शेष आसंता राय प्रकाश करेंगे हाइकोर्ट। सेपटे मूर्ति उच्चता और आबद्ध पूजा प्रसंग में सांसद भर्तुरी महताब प्रतिक्रिया कहले शांति और पूजा कमिटर बैठक पर दुईट प्रस्ताव गृहीत आशा अच्छी सकारात्मक फल आस। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट हिसाब से एंडेमिक आड़क कोरोना तथापि सतर्क रहा विशेषज्ञ परामर्श राज्य में रही भल स्थिति किंतु विपद टी ना कहले स्वास्थ्य निर्देशक। सेपटे 24 घंटे 580 जन कोरोना संक्रमित। पूरी एमआर मठर पुणी चली रूपाईटा खोजा मेटल डिटेक्टर द्वारा एमआर मठर जांच आ रूपाईटा अच्छी ना नहीं से नहीं चली जांच। प्रत्नतत्व विभाग स्वतंत्र टीम करुछि तदंत। पूर्व 522 वो परे मिलिथिला 42 खंड रूपाईटा। धौली थाना स्विगी बॉय सह बांधवी को पचरा उचरा निज अपहरण नाटक रची युवती को नहीं फेरार होता स्विगी बॉय चिकुन। 7 दिन पूर्व यूट्यूब देखी शिखि केमिति हुए किडनाप राज्य बाहर रोजगार करी प्रेमिका सह होता सेट। बालेश्वर क्राइमब्रांच टीम डीआरडीओ रु तथ्य प्रकट मामलें कर तदंत। पुलिस डीजी निर्देश पर चारजिया टीम तनाघना एडिशनल एसपी प्रशांत बिशोई कांधे तदंत। उपरमुंड प्रबल वर्षा पर हीराकुदर 28 गेट दे निष्कासित होना सेपटे विपद संकेत सुवर्णरेखा बैतरणी मुंडली में विपद संकेत छुईला जलस्तर। गजपति आंध्र दादागिरी को नहीं बरसिला बीजेपी आंध्र मंत्री धमक देवा परे काहीकि चुप सरकार काहीकि राज्य सरकार एफआईआर देना बीजेपी प्रश्न। संपूर्ण खबर को आसवा पुणी थे एमआर मठ में चली रूपा ईटा खोजा। पूर्व 522 और पर 42 खंड रूपा ईटा एमआर मठर जबत कर। आज पुनर्बार प्रशासन पक्षर एमआर मठ जांच कर मेटल डिटेक्टर साहय मठर विभिन्न स्थान को टिकनिक भाव में जांच कर प्रशासन। राज्य प्रत्नतत्व विभाग स्वतंत्र टीम जांच कार्य नियोजित। जिलापा समर्थ वर्मा उपजिलापा भवतारण साहू तहसिलदार एंडमेंट अधिकारी आदि मजिस्ट्रेट सम्मुख में चली जांच। मठ परिचालना दायित्व उत्तर पार्श्व मठर महंत नारायण रामानुज दास लिखित नवेदन को विचार कर ए जांच करा जाउछि। ए बाबद्र अधिक सूचना पई आलोक आशुतोष आम रिपोर्टर सीधासलख आम सहित जोड़ी होती। आलोक जेभली भाव में रूपा ईटा पुणी थरे खोजा चली प्रथम पर्यायर 522 रूपा ईटा मिलता से मठर एवं द्वितीय पर्यायर 40 रु ऊर्ध मिलता। वर्तमान समय कौन आशा करा प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कले जे कोविड रे निज बापा माँ को हरेथिबा बा अनाथ हेथिबा शिशु मानंक पाई कि आर्थिक सहायतार गोटे विस्तृत योजना जो थरे पिला मानंको स्कूल पाठ पढ़ीबा पाई कि स्थानीय केंद्रीय विद्यालय हो बा नवोदय विद्यालय हो सैनिक स्कूल हो रेसिडेंशियल स्कूल हो ए सबुरे एडमिशन मिल 18 वर्ष पर स्टाइपेंड मिल 23 वर्ष बेलू 10 लाख टंकार गोटे कॉर्पस फंड मिल ए सबु कथा पीएम केयर्स फंड रु अर्थ आसीबो ए सबु पाई सांगे सांग ए घोषणा को देखिकरी ओडिशार दीर्घ दिन मुख्यमंत्री पाटू भी लाल गड़ला जे सीए भी ओडिशावासी पुणी आउथरे वाह वाह किछि पाइवार बाट तांकु देखा गला। तेणु प्रधानमंत्री घोषणा परे परे ओडिशार मुख्यमंत्री गोटे घोषणा कले जे अनाथ शिशु मानंकु ओडिशारे कोरोना रे हरेइथिबा बापा मांकर जो पिला रहिछन्ति तांकु मासिक
जदि दुई जन बापा माँ हरई थे 2500 जदि गोटे सिंगल पेरेंट को हरई थे ताहले 1500 एमती गोटे योजना ओडिशा सरकार घोषणा कले आ दुख परितापर विषय केते पिला ए योजना रे उपकृत हेले को माने एतरे उपकृत हेले ए विषय रे राज्य सरकार पदटिए भी एबे जेंके कही नाहंती। अपर पक्ष रे हठात एबे घोषणा कले जे सेप्टेम्बर 15 पाखरु जो माने ए योजना बंद हो गला तो आमर राज्य सरकार को प्रश्न जे सेप्टेम्बर 15 पाखरु कोरोना बंद हो गला कि करोनारे आउ लोक मरुनाहंती कि सेप्टेम्बर 15 पाखरु कि तांकर पिला अनाथ होनांती छोटो पिला बापा माँ हरौनाहंती सेप्टेम्बर 15 पाखरु जदि सेमती कथा ताले राज्य सरकार आसिकी घोषणा करंतु जे ओडिशा सेप्टेम्बर 15 पाखरु एबे करोना मुक्त हेला किंतु आमे जहाँ गणमाध्यम आ अन्य सोर्स रु सुणुचु एबे भी करोना चली आउ एबे भी एमती किछि बहुत माने कम संक्रमित हो संक्रमण होउछि ताहा नुए एबे भी बहुत संख्या रे संक्रमण होउछि आउ एबे भी लोक प्राण सेतरे हरौछन्ति तणो सेभली बापा माँ जो माने कोरोना रे प्राण हरौछन्ति सेप्टेम्बर 15 पाखरु तांको पिला काहेकि ए योजनारु वंचित हेबे एक कथा राज्य सरकार स्पष्ट करतु प्रथम कथा। द्वितीय कथा इतिमध्यरे राज्य सरकार ए योजना को दबा आरंभ कले यार अर्थ दबा आरंभ कले 20 जून 2021 पाखरु से समय रु आज पर्यंत केते पिला उपकृत होइचंती से पिला मानंकर ना ठिकणा कोठी तांकर पाठ पढ़ार व्यवस्था राज्य सरकार करिचंती एवं केते पैसा ए पिलांकु ट्रांसफर कराइछ बेनिफिशियरी लिस्ट हिताधिकारी मानंकर सूची ए कथा को सार्वजनिक करिवा पई के आमे दाबी करूचु नचेत आमे जानिबू जे रेशन कार्ड भली प्रधानमंत्री आवास योजना भली विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना भली ये भी गोटे मिछ योजना आउ एतरे कौनसी हिताधिकारी नाही केवल आपण कागज पत्र रे लंबा लंबा संख्या देखी ओडिशावासी को भंडेवार व्यवस्था करचंती। तृतीय कथा पीएम केयर्स फंड रु दिया जीवो प्रधानमंत्री जो योजना किंतु ओडिशा सरकार कोरोना समय रे अनाथ हेथिबा पिला मानन को जो आर्थिक सहायता देबे बली घोषणा कले से फंड कोठु आसीबो ता पई व्यय बराद बा ता पई आर्थिक सुविधा रो कौनसी व्यवस्था करी नहंत तो आम प्रश्न को फंड रु आणी कि राज्य सरकार जिनसटा को योजना को कार्यकारी करिवा कथा भाबीथिले जेतेबेले कौनसी अर्थ नाही सेतेबेले आर्थिक सहायता दबार प्रश्न कोठु उठुछि केवल मोदी सरकार काले वाहवा नेजिबे भल भल योजना करिकि लोकंकु उपकृत करिकि सेटा नहौ बोली ये गोटे हीनमन्यता देखैकि नवीन बाबूंकर सरकार केवल योजना घोषणा करिबा आउ योजना को कार्यकारी करिया पई कि अर्थर व्यवस्था न करैबा अत्यंत दुखर कथा। राज्य सरकार अतीत रे अनेक योजना घोषणा करचंती जो योजना पई कि कौनसी आर्थिक व्यवस्था करी नथिले ये मध्य से भली गोटे योजना बोली आमे आमर स्पष्ट मत ए जो योजना राज्य सरकार आशीर्वाद योजना घोषणा करचंती से आशीर्वाद योजना रे अनाथ शिशु को मासो को 2500 टंका मिलिबो बोली कहउचंती काहा को मिलिचे आमे जानी नाउ किंतु मिलिबो बोली कहउचंती आउ ये से पिला को 18 वर्ष हेला जांके मिलुथुबो आज 2500 टंका रो किछि मूल्य थाई पारे 18 वर्ष परे 2500 टंका रो कोन मूल्य थिबो बोधे ओडिसा रो सबो विवेकवान लोक बुझुथिबे बोली मोर आशा तणो गोटे क्यूमुलेटिव जोटा ऐड हे चलो जहाँ इनक्रीमेंटल गोटे किसी प्रभाव रोथ से भली पैसा न देकरी मसक 2500 टंका आज आप घोषणा करेंगे 18 वर्ष पर भी 2500 टंका दौथे से पिलार कौन से 2500 टंका तार 18 वर्ष पर कौ काम लगे या को भी राज्य सरकार स्पष्ट करतु किंतु ये योजनार सबुठ बड़ स्कैम हो गोटे मिथ्या योजना ये केवल जमती आयुष्मान भारत काले मोदी जी ना नहीं जिबे बोली
विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना गोटे कहीदेबापी कहवा कथा कौनसी हिताधिकारी ना हिताधिकारी को कौनसी सुविधा मिलूनी डाक्तरखाना भी ये योजना को सम्मानित करूना फेरे दौंट पेसेंट कार्ड को मुहर फिंगी दौंट विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना शुणिकी तेरे मेरे कहीकि रोगी को बाहर कर दौंत ठीक से भली गोटे योजना केवल मोदी जी वाह वाह न नियंतु बोली राज्य सरकार घोषणा कले आशीर्वाद किंतु एटा आशीर्वाद खाली ना रे कहिला हबनी आशीर्वाद करिया कि मानसिकता भी दरकार आओ आम राज्यर पिलामानंकर भरण पोषण आमर दायित्व एटा सरकार निजे अनुभव करिबा उचित एवं ताको कार्यकारी करिबा उचित योजना जो फॉर्म रे रही से फॉर्म रे कहारो उपकार होई नाही कि हबारो भी नाही तेणु आज आम मंचर प्रश्न राज्य सरकार स्पष्ट हिताधिकारी लिस्ट दियंतु केते जन पिला उपकृत हेले आउ से पिला माने किए कोठी कोठार तंका ठिकणा कौन को जगह को पिला उपकृत हेले ये हला प्रथम कथा द्वितीय कथा ये पैसा कोठु आसीब ए फंड जो पिला आर्थिक सहायता दबा पाई कि से पैसा कोठु आसीब ता कि आप बजेट रे व्यय बराद करी नहांती आउ तृतीय बड़ कथा हला सेप्टेम्बर 15 तारीख पाखरु आप कहीं बंद करदे सेप्टेम्बर 15 डेट कौन पाई आपटा को गोटे बेंचमार्क डेट भाया रखिले कौन से दिन ठूँ करोना बंद होगला ना से दिन ठूँ पिला आरोना जो अनाथ हेले ना ना तापर ठूँ जी अनाथ हे आपण सहायता दबा को उचित मन कले ये सब प्रश्नर उत्तर राज्य सरकार रखे बोली आमर आशा और विश्वास बहुत बहुत धन्यवाद कटक बालुबजार पूजा मंडपर मूर्ति उच्चता मामला मामलार शुणाणी शेष कले हाइकोर्ट आसंता काली प्रकाश पाइब राय आवेदनकारी सूर्यकांत संगनेरिया एने सूचना देछन्ति कटक बालुबजार पूजा मंडपर मूर्ति उच्चता मामलें आसंता काली राय प्रकाश पाइब मामलार शुणाणी शेष करिछन्ति हाइकोर्ट एवं आसंता काली को अपेक्षा प्रकाश पाइब राय माँ दुर्गा मूर्ति उच्चता एवं आबद्ध पूजा प्रसंग प्रतिक्रिया रखिले सांसद भर्तृहरि महताब शांति व पूजा कमिटी बैठक में दुईट प्रस्ताव गृहीत होता प्रभा त्रिपाठी जरिया मुख्यमंत्री निकट को चिठी गत काली पठा जाई से कहते निष्पत्ति को अपेक्षा करिबा आशा अच्छी सकारात्मक फल आसीब तेज से संपर्क में प्रशासन निष्पत्ति नेब भर्तृहरि कहते मु व्यक्तिगत भाव में क्या सहित कथा हेबी नहेबी ता खबर नुहे आशा उपरे जीवन चली जो दुईटी पूर्वांचल शांति कमिटी और कटक महानगर शांति कमिटी तरफ रु से माने लिखित भाव में जो दुईट प्रस्ताव थिला जे मूर्तिर उच्चता स्वाभाविक करा जाउ एवं आमर जो प्रकार पर्दा ढांकी की जमती करा जाउ छी सेमती करा न जाउ आमे बाकी सब गाइडलाइन को पालन करिवो सेया को लिखित भाव में गत काली प्रभा त्रिपाठी जरिया से चिठी मुख्यमंत्री पाखे पहुँचे दि जाए बर्तमान आम अपेक्षा करवा प्रशासन से संपर्क में निष्पत्ति नब देख ए बाबदे अधिक सूचना सीधा सड़क आम रिपोर्टर विश्वजित आम सहित जोड़ी होती विश्वजित आसंता काली हाइकोर्ट राय प्रकाश पाइब कौन आशा रखा सकारात्मक निश्चित भाव में हेबो कारण कटकिया विशेष भाव में अपेक्षा कर रही स्वाभिमान लड़े रे जय हे ना निश्चित भाव में देखो बालुबजार पूजा कमिटी जेहेतु 514 वर्ष इतिहास रही जेहेतु विभिन्न समय से धारावाहिक भाव में पूर्व पूजा मुताबक पूजा कर जेहेतु इतिहास रही आसी 514 पुराणा पूजा कमिटी से सी हाइकोर्ट द्वारा होते हाइकोर्ट में गोटे PIL फाइल करते जार आज शुणी कर शुणी से आज शुणी शेष हो राय को संरक्षित रखिंट हाइकोर्ट आसंता का राय प्रकाश पाइब कि देखा जुक्ति उपस्थापन करते पाखापा घंटे उपस्थापन होता जी आवेदनकारी वकिल पीताम्बर आचार्य केस परिचा करते पाखापा घंटे आर्गुमेंट है
ହେଲା ପରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ନିଜେ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲା କି 514 ବର୍ଷର ପୂଜା କମିଟି ହୋଇଛି, ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ, କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇକି ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏ ପରିସନ୍ ମାଗିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାଲୁବଜାର ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କ ପୂଜା କମିଟିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ପୂଜା କଟକ ମହାନଗର ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି କରାଯାଏ ପୂର୍ବ ମିଟିଂରେ ଯାହା ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଦୁଇଟି ଦାବି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନଃବିଚାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ନ କରିକି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଏହି ଦୁଇଟି ପୂଜାର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଅପରପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କଟକ ସହରବାସୀ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଓକେ, ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀ କାଣି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳର 13 ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ସିଂହଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଆଳି ବ୍ଲକ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ମୋଣହି ଛକ ନିକଟରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଛି, 20 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ କରୋନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚାଉଳ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସର, ଇଏ ଚିତ୍ର କେତେ ଦୟନୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ। ତାକୁ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ କରିକିନା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଆଳେ ବି ପାଣି ପଶିଗଲା, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛୁ, ଆମେମାନେ ବି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଉନୁ, ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ, ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଦିନ ରାତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା 2 ଦିନ ହେଲା ଏବଂ ଏ 2 ଦିନ ବନ୍ୟାରେ ଦୟାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ତଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସିଂହଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗପୁଆ ଆପଣଙ୍କର ପେଞ୍ଚପାଳ ଆଉ ଅମୃତମଣିର ବହୁ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ନେବେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମା ଧନ କହିକି କହିବେ, କହିଲା ପରେ କହିବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖି ଦେଖିକି ତ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ହେଲା ଆର ବର୍ଷ ଜଣେ ହେଲା ଏମିତି ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମର ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ। ଆମେ ଏଇ 2ଟା ୱାର୍ଡ 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଏଇ ସେତେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସରକାର ବି କିଛି ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଟିବଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଟିବଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଇପ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ନଈରେ ଆମେ କିମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିକିନି ଆମେ କାରବାର କରୁଛୁ। ଆମର ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ତଥା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇ 11ଟା ଜିପି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛୁ, ଏଇ 11ଟା ଜିପିର ପାଖାପାଖି 1500 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡରା ଅମୃତମଣି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ହୋଇଛି କାଲି ଗତ ରାତିରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ RNB ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସହ ବାଲି ବସ୍ତା ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଜାଗାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲଗାଇକରି ସେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ BDO ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
लगाण वर्षा छाड़ी जाइले भी चिंता बढ़ाऊ बन्या आशंका। हीराकुद उपर मुंडरे लगाण वर्षा हेतु तल मुंडरे घनेला बन्या आशंका। हीराकुद डैम्रु 28 गेट दे बन्या जल निष्कासित होउछि। यार प्रभाव में बहु नदीर जलस्तर वृद्धि पाता बेले विभिन्न स्थान में ब्रिज उपर पा प्रवाहित होता देखा मिली। तासहित जोगाजोग विच्छिन्न हो जलस्तर बढ़ुची जो महानदी में मध्यम धरणर बन्या आसुवा सतर्क कराई एसआरसी। तेणु लोकने प्रमाद गणवा आरंभ कले। लगाण वर्षा फल जाजपुर जिला प्रवाहित ब्राह्मणी खरस्रोता बैतरणी में जलपतन वृद्धि पाई। यहाद्वारा जाजपुर बरी दशरथपुर एभली बहु अंचल पाघेर अच्छी। ब्राह्मणी नदी में रसुलपुर ब्लक्र बंधटी ठारे गोटी एवं बरी ब्लक्र मटियापड़ दुईट खाई सृष्टि होती। फल धारपुर साहूपड़ा बालिया ईशाणपुर एसबू अंचल बनिया जल प्रवाहित होता देखा मिली। से भाई खरस्रोता और बुढ़ा नदी में बंध डे पा जाजपुर ब्लक्र सिमुलिया और पणसा आदि अंचल प्रवेश कर। बन्या मुकाबला प्रस्तुत रही एनडीआरएफ टीम। वर्तमान संभाव्य बन्या स्थिति देखी तीनोटी स्थान में तीनोटी टीम को नियोजित करा जाइछि। कटक केन्द्रापड़ा पुरी रे टीम नियोजित। प्रतिटि टीम रे जने अधिकारी को मिसाई 25 जन कर्मी। बाकी अतिरिक्त टीम मुंडली रे प्रस्तुत रही एनडीआरएफ पक्ष सूचना दिया जाइछि। लघुचाप जनित वर्षा जो राज्यर विभिन्न जिले में तलिया अंचल में संभाव्य बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। हीराकुद्र 24 गेट रे बन्या जल निष्कासित होउछि। अनुगुल जिले ओडिशार द्वितीय बृहत्तम जलभंडार रेंगाली जलभंडार उपर मुंडरे वर्षा जो ब्राह्मणी नदी जलस्तर वृद्धि पाई। जलभंडार आज गोटे गेट खोल जा चलित बर्षर द्वितीय थर बन्या जल निष्कासित करा। रेंगाली जलभंडार निर्वाही जंत्री अजित जेना सूचना देते रेंगाली जलभंडार सर्वोच्च जलधारण क्षमता 123.50 मीटर रही। आज 11 सुधा जलभंडार जलस्तर 123.29 मीटर में पहुंची जाइए। जलभंडार भितर को प्रति सेकेंड में 5104 घनमीटर जल प्रवेश करुछि। पावर हाउस दे 550 जल निष्कासित करा जाउथबा बेले 7 नंबर गेट दे जल निष्कासन आरंभ हो जाइए। नदी पठारे थिबा गाँव गुड़ी को सतर्क सूचना दि जाइथिबा जलभंडार कर्तृपक्ष कहिछन्। डब्ल्यूएचओ 10 दिन आगर रिपोर्ट देती भारत में महामारी एंडेमिक आड़क जाऊँगी। तेरे डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट को ग्रहण करने को आम 100% निश्चित नुह। प्रति मॉडल रो ऊपर तल रही था एक क्षेत्र में मध्य होई पारे आम आश्वस्त होबा लक्षण आसिले डाक्तरखाना आसिबा को परामर्श देते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। केरल रे कोरोना संख्या बढ़ी बढ़ी चली एबे धीरे धीरे कमुची। से भली भावे महाराष्ट्र कथा जदि कहिबा संख्या बढ़ुची एवं परे कमिबो। तेणु से मॉडल देखिले आम आदौ ढिला हेबा नाही। जदियो आम भल स्थित अच्छु आमर पॉजिटिविटी रेट कम अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन हार कम रही किंतु विपद एबे भी टळे नाही। आम राज्य रे केबे भी संक्रमितों संख्या बढ़ी पारे। तेणु कटकणा आम राज्य रे चालू रहिबा उचित निज दायित्व निजे नियंतु बोली कहिसेंते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। डब्ल्यूएचओ रो जे अछंदे आमर चीफ साइंटिस्ट से बधे 10 दिन आगुर कहिसेंते आमे पैंडेमिकटा एंडेमिक आड़क जाऊ कि एंडेमिकटा जदि आम कंट्रोल न करवा एंडेमिकटा पुणी पैंडेमिक हो जाए। तेणु मूल मंत्र है सतर्कता समस्ते सतर्क रहा आमर जो टेक्निकल कार्यक्रम आम जारी रखु आम भी बसबून आम से जारी रखु आ समस्त अनुरोध समस्ते निजर दायित्व निजे निजुक जमी इनफेक्शन न आसो से देखते बुलेटिन कही रखा विदाय दिखा नमस्कार।